हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड केप। माय नेम इज आदित्य एंड वी आर लर्निंग अबाउट बिजनेस चैलेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा पॉइंट हेल्प देम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जोमैटो एंड टू डू दैट वी हैव मयूरेशन निरंतर विद अस। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड इन द वीडियो बिकॉज वी हैव केप्ट इट वेरी शॉर्ट, यू कैन कमेंट इट डाउन एंड वी विल ट्राई टू गिव यू एन रिप्लाई विद वॉट एवर डाउट्स यू हैव। सो स्टे ट्यून टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ यू मस्ट हैव सीन कि यार जोमैटो का प्राइस तो शहर में तो काफ़ी गिर गया। नाउ इट्स अराउंड 80 रुपीज़, लास्ट आई चेक यस्टरडे, आई गेस यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, क्लोज टू 80 रुपीज़। बट लिस्ट हुआ था कुछ 140, आई गेस समवेयर दैट इन दैट रेंज, 140-150 की रेंज में। अब इट्स हाफ। वाई इज इट हैज इट हैपेंड इज बिकॉज ये वाला जो बिजनेस है ना, ये ऑपरेशनली चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। देर इज़ नो पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स इन दिस बिजनेस, क्योंकि कॉम्पिटिशन स्टिफ है, फंडिंग के पैसे है स्विगी के पास, स्विगी अपना अगर स्विगी ने डिस्काउंट दे दिया तो जोमैटो वालों की बैंड बच जाती है, फिर जोमैटो वाले को भी डिस्काउंट देना पड़ता है टू एक्वायर द कस्टमर। सो अभी ये नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन टैंजिबल के अंदर भी हमने कल दो कैटेगरीज डिस्कस की थी, विच वन दिस विल गो अंडर, which are the two categories that we discussed yesterday. So tangible, non-tangible, right? That's a base differentiation between businesses. But हमने ये भी सोचा था कि जो non-tangible होता है उसमें भी दो type के businesses होते हैं, need and desire. Correct. So this ये किस में आएगा? Need में आएगा या desire में आएगा? Desire में आएगा, right? तो desire के मैंने बोला था कि बहुत अलग ही challenges होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिजायर का कस्टमर एक्विजिशन, कि कस्टमर को एक्वायर करके उसको इकोसिस्टम में रखना, कस्टमर एक्विजिशन एंड देन रिटेंशन, करेक्ट? सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट दिस पर्टिकुलर ब्रांड हैज। तो अगर हम बात करें कि पहले तो कस्टमर एक्विजिशन, तो क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है कस्टमर एक्वायर करने के लिए? एक मयूरेश ने बोल दिया था, दैट इज डिस्काउंटिंग। What could be other? Delivery charges. That comes under a discount only, right? Either you give it on plate or you give it on delivery charges. So that's a discount. Service. But yeah, usko... means tying up with good restaurants. Right. So availability of food. Food availability from good restaurants which are nearby to you or a bit far away from you, right? So in that sense, हाँ, sense करता है कि इसीलिए तुम customer acquire होगा, इस चीज के लिए customer acquire हो सकता है। Consistently faster delivery. Okay. That comes under the service ना? The order getting. हाँ, correct sir. So I was asking you कि service मतलब क्या? So that is basically you will need a metric to identify it, right? When I say metric, it's a measurable number. ये हमेशा याद रखना। Whenever we say metric, that means a measurable number. So, अगर school में किसी का excellence जानना है, तो what would be the metric then? Percentage. Correct. तो calculated field होती है, जिसको हम metrics कहते हैं business में, right? Cool. So delivery speed. और क्या हो सकता है customer acquisition strategy? If सर्विस में ये भी आएगा ना, अगर तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो फुल रिफंड मिल रहा है या फिर उसके बदले कुछ कूपन दे रहे हो, कैसा जोमैटो ये करता है, तो फुल रिफंड मिलता है, नहीं तो कूपन। बट अगेन दैट इज समथिंग अगेन अ डिस्काउंट फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर, राइट? ए डिस्काउंट और फुल रिफंड फॉर दैट ऑर्डर, तो इन अ सेंस कि आपको फ्री खाना दे दिया। हां करेक्ट, राइट? दैट अगेन इज 100% डिस्काउंट ओनली, राइट? सो वो बोलने के अलग अलग मेथड है उसको, बट है तो एक ही चीज, डिस्काउंट। ओके, और क्या हो सकता है कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए? यार तुमने यूट्यूब पे ऐड नहीं देखे क्या जोमैटो के? हर 5 सेकंड का तो ऐड आता है, वो बिरयानी वाला, राइट? सो एडवर्टाइज, यस, एड्स इज अ मेजर कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, कि लोगों को ललचाना चाहते हैं और बिरयानी खा लो यार, बहुत दिन हो गए तुमने खाई नहीं है,
पुश मैसेजेस दे सेंड, पुश मैसेजेस, मेल, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, पुश नोटिफिकेशन, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस एज वेल. पुश नोटिफिकेशन, हाँ पुश नोटिफिकेशन हो गया. और क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, SSM. और क्या हो सकता है? और कहाँ जोमैटो दिखता है तुम्हें? जहां तुम्हें जोमैटो दिखता है वो उनका एक्विजिशन चैनल है बेसिकली. ऑन फूड पैकेट्स, लेबलिंग. हाँ तो पैकेजिंग मटेरियल देते वो लोग. हाँ या टू रेस्टोरेंट्स की टिप दे दिया अपना कि यार जोमैटो का चिपका दो. अगर वो बेच भी नहीं रहा जोमैटो पे, वो तो कहीं ना कहीं तो चिपका ही देगा उसको, राइट? सो यू गेट इन ब्रांड रिकलेक्ट फ्रॉम दैट वैल्यू. सो हाँ, मोटा मोटी हमने सारे कवर तो कर ही लिए यहाँ पे. जो रेवेन्यू एक्विजिशन स्ट्रेटेजी होती है, ये थोड़ा सा प्राइजिंग पावर वाला गेम है कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो यू विल डू दिस गेम वेरी ऑफन, विच इज वाई दे आर वेल वीसी फंडेड स्टार्टअप्स ऑलवेज प्ले ऑन प्राइसिंग पावर फर्स्ट, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट एन हैबिट, राइट? वो हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हैं कि किसी ने रेस्टोरेंट को कॉल करना नहीं चाहिए, उसने हमारा ऐप खुल के ऑर्डर कर देना चाहिए, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज अगेन अ मेजर चैलेंज फॉर देम, बिकॉज तुमने बहुत बार देखा होगा कि रेस्टोरेंट ओनर्स ने बहुत ज्यादा पुश बैक कर दिया है कि हमें जोमैटो पे लिस्टिंग नहीं करनी वगैरह, राइट? सो दैट इज देयर. पुश नोटिफिकेशन तो काफी अच्छे आते हैं उनके, इट्स लाइक कि आज तो संडे है, क्यों खाना बनाना है, ऑर्डर कर लो, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज गुड. एड्स बहुत ज्यादा दिखती है तुम्हें, बहुत बार दिखती है. एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, एवरीथिंग इज देयर, राइट? नाउ अभी ये हो गया एक्विजिशन, तो ये होगी उनकी स्ट्रैटेजी, कैसे हम कस्टमर को खींच के अपने यूनिवर्स में लाते हैं. अब इसके बाद कस्टमर को उसी यूनिवर्स में रहने पे देना है, नहीं तो वो स्विगी पे चला गया तो इसका तो बिजनेस रेवेन्यू कम हो जाएगा ना, राइट? अगर आप सोचो तो अगर कोई मेरी दुकान में आता है और सामने एक और दुकान है और उसमें वो चला गया, तो मैंने एक्विजिशन तो कर लिया, उसके लिए पैसा मैंने खर्च किया, बट बेनिफिट सामने वाला भी रीप करेगा, राइट? तो अब इसका मेजर प्रॉब्लम बन जाता है रिटेंशन. अब सोचो कि रिटेंशन कैसे करेगा वो कस्टमर का, क्योंकि जो भी तुम सोच रहे हो यही बिजनेस प्रॉब्लम्स होता है, और इन्हीं बिजनेस प्रॉब्लम्स का डेटा से सोल्यूशन निकालना होता है. So, if someone is ordering consistently, give them more discount. But जो consistently order कर रहा है उसको discount देके मैं revenue क्यों down करूं? Okay. But if you are ordering 5 times a week, तो you are very loyal customer to me. Giving out a discount to you is eventually making dent in my revenue pipeline only, right? Yeah. तो इसका उल्टा सोचो कि जो कंसिस्टेंटली ऑर्डर नहीं कर रहा है उसको डिस्काउंट दे सकते, राइट? कि जो हफ्ते में एक या दो ही बार कर रहा है तो उसको प्रोवोक करने के लिए आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो उसको, राइट? तो डिस्काउंट फॉर नॉन कंसिस्टेंट कस्टमर. यार जोमैटो तुमने भी तो यूज किया है, सोचो कि क्या क्या करता है जोमैटो जनरली तुम्हें रिटेंशन की, तुम्हारे रिटेंशन के लिए. ये पुश नोटिफिकेशन भी आता है यार इसमें, पुश नोटिफिकेशन तो भेजता है ना वो आपको. या और क्या करता है वो, ये पुश नोटिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है फिर. हाँ महेश, जो कंसिस्टेंटली ऑर्डर कर रहे हैं कस्टमर उनको वही एडवर्टाइज और उसका वही प्रोडक्ट के एड्स या फिर पुश नोटिफिकेशन ज्यादा आते. तो हाँ, इसको एक टर्म है कि डिजायर, जो बेसिकली आपका डिजायर होता है उसको फुलफिल करना है. तो टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लव, राइट? तो बैकएंड में उनका एक ML algorithm चलेगा जो फिगर आउट करेगा कि यार
ये सारे जो कस्टमर्स है ना, इन सबको चाइनीज बहुत पसंद है और ये जनरली वीकेंड पे चाइनीज खाते हैं। तो फिगरिंग दैट आउट एंड टेलिंग देम कि इस रेस्टोरेंट के चाइनीज को हाईएस्ट रेटिंग है, राइट, दैट इज समथिंग अ रिटेंशन स्ट्रेटेजी अगेन। तो कस्टमर कोहर्ट, अभी कोहर्ट नया वर्ड सुनोगे आज, कस्टमर कोहर्ट को रिकमेंडेशन। अब कोहर्ट क्या होता है? कोहर्ट इज बेसिकली सेट ऑफ पीपल, पीपल जनरली इन टर्म्स ऑफ लोगों के बारे में ही सोचते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं अभी कि अगर हमारे यहाँ पे, अगर इस पैनल पे अपन देखे तो इफ वी हैव टू क्रिएट कोहर्ट, देर विल बी थ्री कोहर्ट, वन पर्सन वर्किंग इन एनालिटिक्स, वन पर्सन वर्किंग इन सेल्स एंड अदर पर्सन वर्किंग इन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे तीन कोहर्ट बन गए। अब इसमें और लोग हो सकते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो एनालिटिक्स सेक्टर में काम करते हैं, निरंतर के बहुत सारे दोस्त होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं। सो वो सारे लोग निरंतर के कोहर्ट में चले जाएंगे। सो कोहर्ट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल पीपल हु हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, बट इट कैन बी एनीथिंग। कंपनीज भी हो सकती है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखती है कंपनी वो एक कोहर्ट में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है वो सारा एक कोहर्ट होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लार्जली सारे सारे यूनिवर्स में जितनी भी कंपनीज है उनका कोहर्ट बनाने लगा ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो बिजनेस किस में करते हैं, तो वो सारे एक इसमें कैटेगराइज हो जाएंगे, राइट। सो दैट वॉज कस्टमर कोहर्ट मीन्स। और A few moments later. ओके, सो जोमैटो खुद का तो रिटेंशन करता ही है, बट जोमैटो ऑल्सो हेल्प रेस्टोरेंट्स टू रिटेन देयर ऑर्डर वॉल्यूम। जैसे अगर मेरा रेस्टोरेंट है और आई एम लिस्टेड ऑन जोमैटो, जैसे मैं 10 orders per day कर रहा था पहले, नाउ आई एम नॉट डूइंग 10 orders per day, राइट, मैंने शायद 5 order per day कर दिया। तो देर आई हैव टू ऑप्शन, इधर आई कैन गो टू जोमैटो एंड सी देम कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं ऑर्डर आ रहे, दे कैन शेयर मी समथिंग एंड मैं फिर मेरा रिटेंशन भी अप करूंगा एज अ होटल ओनर। एंड जोमैटो भी उसी तरीके से करता है, राइट, कि वो लिस्टिंग्स को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देता है। जो तुम्हारा अवेबिलिटी ऑफ फूड है ना, उसका एक पार्ट है कि लिस्टिंग्स, ये जो लिस्टिंग्स होती है ना ऑन द प्लेटफॉर्म, कंसिस्टेंटली उनको अपडेट करना, उनके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना, ये सब कुछ बहुत नेसेसरी है उनके लिए, सो दैट दे गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ इट। सो सिंस इट्स लाइक कस्टमर एक्विजिशन हो गया, रिटेंशन हो गया, अब ये दो पार्ट जब प्ले हो जाते हैं तो अब आपके रेवेन्यू पाइपलाइन चलते हैं। बट यहाँ पे एक थर्ड लेग है जो है ऑप्स, जो बहुत ज्यादा ही पेनफुल है एनी कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्स में क्या क्या आएगा? ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो बेसिकली जो भी ई कॉमर्स में डील करता है या ऐसी सर्विस में डील करता है जहाँ पे दे नीड पीपल टू डू थिंग्स फॉर देम, राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे टैंजिबल प्रोडक्ट्स में डील तो हो रही है, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दोज टैंजिबल प्रोडक्ट्स, यू आर मेरली अ सप्लायर ऑफ दोज टैंजिबल प्रोडक्ट्स, वेर एज योर होल कंपनी इज नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट बेस्ड। तो ये मिक्स होता है, इसलिए मैंने ये केस स्टडी लिया था कि वी शुड क्लब देम टुगेदर कि दोनों में क्या होता है। अब नाउ लेट्स जस्ट थिंक ऑपरेशनली जोमैटो के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो व्हेन डू यू से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहाँ पे सप्लाई चेन क्या होगा? मींस अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बॉयज, हाँ, तो या डिलीवरी बॉयज, राइट, ऑर्डर्स दैट द कस्टमर इज ऑर्डरिंग ऑन द ऐप शुड नॉट फेल, और द पेमेंट शुड नॉट फेल टेक, फ्रॉम देयर साइड. या एनीथिंग एल्स? देर शुड बी सम टाइम टू मीन्स मैक्स टाइम टाइम अंडर टाइम विच द डिलीवरी शुड बी रीच टू द कस्टमर. डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. या डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. राइट, सो मेजर प्रॉब्लम होता है ना ये अवेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बॉयज फॉर एनी सप्लाई चेन ऑप्स टीम। बट यस, अगर ये सॉर्टेड है तो लार्जली बाकी टेक वगैरह, तो मतलब दैट इज समथिंग एट प्रोडक्ट लेवल विच इज वेरी हाई लेवल टॉक्स,
क्योंकि कभी यूपीआई डाउन हो सकता है, कभी कोई कार्ड जैसे वीजा का साइट डाउन हो सकता है, तो इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस है, राइट? ओपन एंडेड है ये हमेशा. बट हाँ, अवेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बॉयज इज द बिगेस्ट पेन फॉर एनी ऑप्स फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज. सो आई गेस दैट्स इट. आज के लिए इतना ही था. वी जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस हाउ जोमैटो वी विल, सो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू वॉट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर सॉल्विंग. तो एक बार वन यू नो कि वो चैलेंज क्या सॉल्व कर रहे हैं, टू फिगर आउट सोल्यूशन विद डेटा बिकम्स मच मोर इजियर. क्योंकि फिर तुम थोड़े से इंडस्ट्री टर्म्स अगर समझ भी लोगे कि जैसे कैक क्या होता है. सो कैक इज अ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. तो अच्छा एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्च किया. तो अगर मेरे को उस कस्टमर को 10 एड दिखाने पड़े और उसको 5 बार डिस्काउंट देना पड़ा और सब मिला के मेरे 1,000 रुपये खर्च हो गए, तो जब तक वो कस्टमर 1,000 रुपये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लेता मेरे लिए, तब तक तो वो कस्टमर ही प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट? तो कैक को मिनिमम में रख के हम प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं. बट करंट वीक्स फ्लो इज कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं. जब बिजनेस प्रॉब्लम्स एक बार डिस्कस हो गए, वी देन वी विल डाइव इन टू डेटा. क्या ओके एनी क्वेश्चंस आज के इस पे, एनीथिंग, एनी थॉट्स दैट यू हैव? नो नथिंग नो ओके, सो ग्रेट. आई गेस दैट्स इट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल मीट टुमारो अगेन. थैंक यू थैंक यू. बाय बाय बाय.